This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति वाला देश है। अलग अलग भाषा, वेशभूषा, खान पान की विविधता लिए सदियों से ये देश तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक तरफ जहां भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों को अलग अलग क्षेत्रों में बराबर टक्कर दे रहा है, वही भारत में आज भी पुराने रीति रिवाजों के साथ कुछ कुरीतियों और रूढ़िवादी सोच ने हमें जकड़ रखा है। पढ़े लिखे लोग भी धर्म से जुड़ी हुई कई कुप्रथाओं या कुरीतियों को छोड़ने को राजी नहीं हैं। यही है हमारी आज की कहानी, जिसमें भारत की एक प्राचीन कुप्रथा जिसे सालों पहले अंग्रेजों ने भी अपराध माना और इस पर रोक लगा दी, पर आज़ादी के इतने सालों बाद भी इसका चलन देश में रहा है। और इसी प्रथा से जुड़ी हुई एक मुख्य घटना ने पूरी दुनिया के सामने भारत का सर झुका दिया। इस प्रथा को मानने वाले लोग आज भी खुलकर इसका समर्थन करते हैं। के कुशमा गांव की महिला थी जिसको क्षति किया गया था। जब उसको अर्थी में बैठाला गया था तो वो उठ करके खड़ी हो जा रही थी और उसके ऊपर वो नारियल फेंके जा रहे थे, तो वो हाथ दे रही थी ऐसे ऐसे कि मतलब मत करो मेरे साथ ऐसे, मत करो मेरे साथ ऐसे। जैसे जैसे वो मना कर रही थी वैसे वैसे यहाँ हवा फैल रही थी कि वो सबको खड़े हो करके आशीर्वाद दे रही है। आज की हमारी कहानी है आज़ाद भारत के आखिरी सती कांड की। सती प्रथा जो किसी भी सभ्य समाज पर एक काले धब्बे के समान है, इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय के संघर्ष के चलते अंग्रेजों ने दिसंबर 1829 को सती प्रथा को एक अपराध घोषित करके उस पर रोक लगा दी थी। पर फिर भी भारत में सती प्रथा की कई घटनाएं होती रही हैं, पर वो ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाई। लेकिन रूप कंवर सती कांड की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी फैली और जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत को सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून भी बनाना पड़ा। तो जानते हैं इस घटना में सती होने वाली महिला रूप कंवर के बारे में। रूप कंवर का जन्म 1969 में हुआ था। उसके पिता बाल सिंह राठौड़ का जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रकिंग का बिजनेस था। रूप कंवर उनके 6 बच्चों में सबसे छोटी थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी। 18 साल की उम्र में रूप कंवर की शादी सीकर जिले के देवराला गांव के रहने वाले एक स्कूल टीचर सुमेर सिंह के बेटे से तय कर दी गई। साल था 1987। रूप कंवर का भावी पति माल सिंह 24 साल का नौजवान था और एक ग्रेजुएट था। कुल मिलाकर दोनों ही परिवार पढ़े लिखे थे। जनवरी 1987 में रूप कंवर और माल सिंह की जयपुर में धूमधाम से शादी हुई थी। एक प्रथा के अनुसार दुल्हन की विदाई एकदम शादी के बाद नहीं होती, इसलिए शादी के कुछ ही दिनों बाद रूप कंवर वापस मायके आ जाती है। फिर बीच में 2-3 दिनों के लिए किसी खास त्यौहार या मौके पर वो ससुराल भी जाती है और फिर वापस आ जाती है। जनवरी के बाद सितंबर का महीना शुरू होता है। 2 सितंबर को देवराला गांव में अचानक माल सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज पेट दर्द और उल्टियाँ होने लगती हैं। तबीयत बिगड़ने पर माल सिंह के पिता और भाई उसे जिले के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। पति की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर रूप कंवर भी फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और पति की सेवा में जुट जाती है, पर माल सिंह की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। 2 सितंबर को तबीयत खराब होने के 2 दिन बाद यानी 4 सितंबर की सुबह सुबह माल सिंह की मौत हो जाती है। जवान बेटे की मौत से सभी सदमे में थे। 18 साल की रूप कंवर शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और इन 8 महीनों में उसने गिनती के 20 दिन ही पति के साथ बिताए थे। शोक में डूबे पिता और भाई माल सिंह के शव को लेकर गांव पहुंचते हैं। पूरे घर परिवार में मातम छाया था। माल सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अभी तक सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन अचानक गांव में ये खबर फैलती है कि रूप कंवर ने अपने पति के साथ सती होने की घोषणा की है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है और उसके बिना रह नहीं सकती। अब ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब राजपूताना समाज में सती प्रथा का चलन रहा है। इसे धर्म से जोड़ के देखा जाता है और बहुत गर्व की बात मानी जाती है। ये खबर फैलते ही समाज के बड़े बुजुर्ग और प्रभावी लोग एक्टिव हो गए। सती प्रथा के अनुसार जबरदस्ती पति के साथ जलाई गई महिला को सती नहीं माना जाता, इसलिए रूप कंवर के स्वेच्छा से किए गए इस घोषणा के लिए माहौल तैयार किया गया। आनन फानन में ही लोगों के दिलो दिमाग में रूप कंवर की देवी की तरह छवि बनाकर उसका गुणगान शुरू हुआ कि उसमें सती माता का सत जागृत हुआ है। कुछ लोगों ने लीडर बनकर इसका बखान भी किया। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। गांव में राजपूतों के शमशान घाट में चिता तैयार की गई।
ये खबर इतनी जल्दी फैली कि आसपास के गांव से भी लोग देवराला में पहुंचने लगे। हजारों की भीड़ गांव में इकट्ठा हो गई थी। घर से माल सिंह की अर्थी निकली और उसके पीछे पीछे रूप कंवर सजी धजी भीड़ के साथ चलती रही। उसके हाथ में पूजा का नारियल था और वो कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। घर से बाजार होते हुए ये शव यात्रा रूप कंवर भीड़ और ढोल नगाड़ों के साथ राजपूत शमशान घाट पहुंची, जहां पहले ही हजारों लोग जमा थे। चिता के पास पहुंचकर अंतिम क्रियाएं शुरू की गईं। रूप कंवर ने चिता की परिक्रमा करना शुरू की। कहते हैं वहां खड़े कुछ लोगों ने रूप कंवर से परिक्रमा जल्दी खत्म करने को कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पुलिस वहां आ गई तो सब कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा। तब रूप कंवर ने उन्हें धीरज रखने को कहा। उसने 15 मिनट तक चिता की परिक्रमा की, जिसके बाद बाकी रस्में जल्दी ही निपटा दी गईं। इसके बाद रूप कंवर चिता पर चढ़ गई। वहां बैठकर उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रखा। इसके बाद माल सिंह के छोटे भाई पुष्पेंद्र ने चिता को अग्नि दी, लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि चिता में आग चमत्कारी रूप से खुद ही प्रकट हो गई थी। जल्दी ही चिता धू धू कर जलने लगी। कहते हैं कि आग लगने के बाद रूप कंवर चिता से नीचे भी गिर गई थी, पर वो खुद ही रेंगती हुई चिता पर दोबारा चढ़ी और जलती चिता के साथ स्वाहा हो गई। इस घटना को वहां मौजूद हजारों लोगों ने देखा। इसमें बड़े बूढ़े औरतों के साथ बच्चे भी मौजूद थे। आसपास के घरों, छतों, रेत के टीलों पर सब जगह लोग थे। वहां सती माता के नाम के जयकारे लगाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए। रूप कंवर को सती माता के नाम से पुकारा गया। हर कोई उसके किए गए बलिदान का गुणगान कर रहा था। सुबह माल सिंह की मौत के बाद दोपहर 1:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। लेकिन इतने सब के बीच किसी ने भी रूप कंवर के घर वालों को कोई खबर नहीं की, ना ही माल सिंह की मौत की और ना ही रूप कंवर के सती होने की। रूप कंवर के घर वालों को ये खबर सुबह अखबारों से मिली। 5 सितंबर की सुबह एक अखबार के रिपोर्टर ने उन्हें फोन करके ये खबर दी और उसने पूछा कि आपकी बेटी अपने पति के साथ सती हो गई है, क्या सती होने से पहले उसने आपसे बात की थी? रूप कंवर के घर वाले इस खबर को सुनकर सकते में आ गए। वो सभी फौरन देवराला गांव पहुंचे। वो सब गुस्से से भरे थे, लेकिन वहां पहुंचकर जब उन्होंने रूप कंवर का गुणगान सुना कि उसे एक देवी की तरह पूजा जा रहा है, तब रूप कंवर के घर वाले भी शांत हो गए, क्योंकि आखिर वो भी राजपूत ही थे और इस सती प्रथा से भली भांति परिचित भी थे। अब ये खबर आसपास के गांवों में पहुंच चुकी थी। पुरानी परंपरा के चलते रूप कंवर को एक देवी का नाम दिया जाने लगा। लोग चिता स्थल पर दर्शन के लिए पहुंचने लगे व पूजा की जाने लगी। देवराला गांव में जैसे मेले का माहौल था। पूजा सामग्री बेचने वालों की भीड़ लगी थी। लोग दूर दूर से दर्शन करने और पूजा के लिए आ रहे थे, लेकिन कानून की नज़र में तो ये क्राइम था। सती होने के बाद प्रशासन तक भी ये खबर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। जल्दी ही ये खबर देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंची और अखबार की सुर्खियां बनी। हर तरफ इस घटना के विरोध में आवाज़ उठने लगी। महिला संगठन सक्रिय हो गए। उनका कहना था कि सालों पहले बंद की गई ये प्रथा औरतों पर अत्याचार की हद है। प्रथा के नाम पर रूप कंवर की बलि दी गई है और अब इसे छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए विरोध और प्रदर्शन तेज होने लगे। मीडिया से यह खबर विदेशों में भी पहुंची, जिससे भारत की छवि को बहुत नुकसान हुआ कि 20वीं सदी में भारत में ये क्या हो रहा है। अभी तक राजस्थान पुलिस और प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन चौतरफा दबाव के चलते जयपुर पुलिस को इस मामले में FIR लिखनी पड़ी और तफ्तीश शुरू हुई। कुछ पुलिस वाले गांव में पहुंचे, पर वहां उन्हें कोई भी गवाह नहीं मिला। सबका यही कहना था कि रूप कंवर अपनी इच्छा से सती हुई है। अगर कोई ज़बरदस्ती होती तो वहां लोग भी इसका विरोध करते, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रूप कंवर खुद चलकर शमशान घाट तक गई थी, खुद चिता पर चढ़ी और सती हो गई। वो एक देवी थी। पड़ोसियों के हिसाब से रूप कंवर बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। जब भी वो ससुराल में रहती वो घंटों पूजा ही किया करती थी, इसीलिए उसके स्वेच्छा से सती होने की खबर से किसी को हैरानी नहीं थी। पुलिस को जो भी जानकारी मिली उसके आधार पर 9 सितंबर तक 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें रूप कंवर के ससुराल वाले, पंडित, पुजारी, समाज के कुछ लोग, यहाँ तक कि नाई भी शामिल था, जिसने घर के लोगों का मुंडन किया था। अब राजपूत संगठन इसके विरोध में सक्रिय हो गए। वो इसे एक धार्मिक मामला बताकर पुलिस और प्रशासन का विरोध कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस मुद्दे पर ना ही सरकार और ना ही विपक्ष, कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि हर जगह राजपूत समाज के लोग थे जो इस घटना को सही मान रहे थे। दूसरा, एक दो साल में ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे और कोई भी पार्टी राजपूत वोट खोना नहीं चाहती थी, इसलिए कोई भी नेता इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा था।
इस बीच देवराला गांव में राजपूत समाज की तरफ से एक ऐलान किया गया कि सती होने के 13वें दिन यानी 13वीं पर एक चुनरी कार्यक्रम का आयोजन होगा। जगह वही थी जहां रूप कंवर सती हुई थी। इसी कार्यक्रम में रूप कंवर के नाम से सती माता का मंदिर बनाने का ऐलान भी होना था। इसमें लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए अपील की गई थी। इसके लिए 16 सितंबर की तारीख तय हुई थी। सती होने के बाद उसके महिमा मंडन से देश भर में लोग गुस्से में थे। इस कार्यक्रम की खबर जब बाहर निकली तो देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। 14 सितंबर को सैकड़ों महिलाओं ने जयपुर में एक रैली निकाली और चीफ जस्टिस के नाम एक लेटर लिखा और उसमें अपील की गई कि रूप कंवर के सती होने का महिमा मंडन और इस चुनरी कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। तब जयपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस लेटर को ही जनहित याचिका मानकर अगले ही दिन 15 सितंबर को मामले की सुनवाई शुरू कर दी। उस वक्त सती प्रथा के पक्ष में कई वकील कोर्ट में थे, जबकि इसके खिलाफ गिनती के ही वकील पहुंचे थे। पूरा दिन बहस चली और शाम तक हाई कोर्ट ने चुनरी महोत्सव पर रोक लगा दी, जिसके लिए आदेश भी जारी किए गए। पर तब प्रशासन में से ही कुछ लोगों ने देवराला गांव में ये सूचना भिजवा दी कि कोर्ट ने चुनरी समारोह पर रोक लगा दी है, तो अच्छा होगा कि आप तय समय से पहले ही ये कार्यक्रम निपटा लें। इसका नतीजा ये हुआ कि रोक के बावजूद 5 से 10 हजार की आबादी वाले देवराला गांव में 15 सितंबर की रात से ही लोग जमा होने लगे। सुबह तक गांव में 2 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके थे। पुलिस को आदेश दिया गया था कि ये एक धार्मिक मामला है, इसलिए हस्तक्षेप ना करें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए पुलिस मूक दर्शक ही बनी रही और इकट्ठे हुए लोगों ने तय समय 11 बजे से पहले सुबह 8 बजे ही चुनरी कार्यक्रम का समापन कर लिया। कहते हैं चुनरी महोत्सव में कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टीज के कई विधायक भी शामिल हुए थे, जिन्होंने यहां पहुंचकर सती माता का आशीर्वाद भी लिया। यहां बनी सती समिति को लगभग 30 लाख का दान भी मिला, जो वहां एक स्मारक बनाने की योजना बना रही थी। लाखों लोगों ने वहां सती माता का आशीर्वाद भी लिया। रूप कंवर सती कांड के बाद देवराला और जयपुर में देशी विदेशी मीडिया का जमघट लगा हुआ था, इसीलिए ये खबरें विदेश में भी फैली, जिससे इस कांड ने पूरी दुनिया में भारत की महिलाओं के प्रति नजरिए से छवि खराब कर दी थी। अब तक देवराला गांव एक पवित्र स्थान बन चुका था। सती के बाद से ही गांव में उत्सव का माहौल था। गांव और उसके आसपास व्यापार में तेजी आई। हर नई पुरानी दुकान मिठाइयों, पूजा के सामान, चूड़ियों, चुनरी और सती की तस्वीरों से भरी हुई थी। इस समय सबसे लोकप्रिय रूप कंवर की एक रंगीन तस्वीर थी, जिसमें वो अपने पति का सर गोद में रखे हुए चिता पर बैठी है। इस तस्वीर के लगभग 30,000 कॉपीज उस वक्त बिकी थी। ये तस्वीर आज भी कई राजपूत परिवारों में देखने को मिल जाती है, जहां उन्हें सती माता के रूप में पूजा जाता है। रूप कंवर का ससुराल का घर भी एक संग्रहालय बन चुका था। लोग उस घर को देखने आते थे जहां रूप कंवर अपने पति के साथ रहती थी। वहां बरामदे में रूप कंवर और माल सिंह की शादी की तस्वीर लगी हुई है और उसके पास उसकी आखिरी साड़ी भी रखी हुई है। एक दिया तस्वीर के सामने फर्श पर जलता रहता है। चुनरी महोत्सव होने के बाद राजस्थान सरकार की हर जगह आलोचना हो रही थी। मजबूरन केंद्र सरकार को कार्यवाही के आदेश देने पड़े। तब देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सख्त आदेश दिए कि सती माता का मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। इसी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1987 को सती प्रथा के खिलाफ अध्यादेश जारी किया गया, जिसके तहत किसी भी विधवा को सती होने के लिए मजबूर करने पर फांसी या उम्र कैद की सजा और उसका महिमा मंडन करने वालों को 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। भारत सरकार ने 1988 में इसे संघीय कानून में शामिल कर लिया। इस मामले में गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा चलता रहा। कुछ लोगों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई, पर सबूतों के अभाव में बहुतों को छोड़ दिया गया। सरकार द्वारा बनाए गए कानून का राजपूत संगठनों ने कड़ा विरोध किया कि ये उनका धार्मिक मामला है। यहाँ तक कि रूप कंवर के परिवार वाले भी इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि रूप कंवर पर सती होने के लिए कोई दबाव नहीं था, वो अपनी मर्जी से सती हुई थी, जो कि राजपूत संस्कृति के अनुसार बिल्कुल सही है। लेकिन सती प्रथा किसी भी सभ्य समाज में एक कलंक के समान है। ये कहानी महिला स्वतंत्रता के नजरिए से कई सवाल उठाती है। ये कैसी सोच है जिसमें एक लड़की का अस्तित्व किसी पुरुष के सहारे का मोहताज है? शादी से पहले बाप भाई और शादी के बाद पति, क्यों पति के मरते ही पत्नी की अपनी लाइफ खत्म कर दी जाती है? क्यों विधवाओं को एकाकी और कठिन जीवन जीने को मजबूर किया जाता है? सती प्रथा में तो उनका जीवन ही छीन लिया जाता है। कहा जाता है कि सती करने के लिए विधवा को भांग का कटोरा पिलाया जाता था ताकि उसे होश ही ना रहे।
जलते वक्त इतना घी डाला जाता था ताकि चिता और वो महिला जल्दी से जल्दी जल जाए। इतने ढोल नगाड़े बजाए जाते थे कि उसमें जलती हुई महिला की चीखें दब जाएं। अब रूप कंवर की असली कहानी क्या थी, चाहे वो मजबूर थी या अपनी मर्जी से गई, कड़वी सच्चाई ये है कि 20वीं सदी के भारत में 18 साल की एक महिला को जयकारे लगाती और तालियां बजाती भीड़ के सामने जिंदा जला दिया गया। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध को महामंडित करने का तरीका है। इससे पूरे गाँव को आर्थिक लाभ पहुँचा और आज भी रूप कंवर की सती के रूप में पूजा की जाती है। रूप कंवर के असली विचार क्या थे, वो एक पढ़े लिखे परिवार की लड़की थी। उसकी तस्वीरों में भी वो कहीं घूंघट में नजर नहीं आती, इससे उसके विचारों के खुलेपन का पता चलता है। लेकिन उसके असली विचार और सोच सब उसके साथ ही जल गए। राजपूतों के हिसाब से रूप कंवर देवी के समान है। आज भी देवराला में हर साल सती का मेला लगता है, सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। सती होने वाली जगह पर एक बड़ा सा चबूतरा बना दिया गया है, जहां लोग आकर पूजा करते हैं और सती माता का आशीर्वाद लेते हैं। सती प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बावजूद राजस्थान में ऐसे आयोजन होना कानून का मजाक ही है। कई कार्यक्रमों को त्योहार के रूप में मनाना इस बात का संकेत है कि राजस्थान सरकार भी इस प्रथा के समर्थन में काम कर रही है। ये राज्य वास्तव में सती प्रथा को मंजूरी देता है। राजस्थान के झुंझुनू में भी रानी सती का मेला लगता है, जहां सरकार भी अपना स्टॉल लगाती है। जयपुर में भी ऐसे मेले का आयोजन होता है। रूप कंवर के केस में धर्म, राजनीति और पुरुष प्रधान सोच का गठजोड़ दिखाई देता है। राजपूत समाज से जुड़े लोगों ने खुलेआम इस प्रथा का समर्थन हमेशा किया है और इसके खिलाफ बने कानून की धज्जियां भी उड़ाई है। रूप कंवर से पहले भी 2-3 केसेस सती होने के हुए थे, लेकिन वो ज्यादा चर्चित नहीं हुए। रूप कंवर के बाद भी लगभग 17 केसेस और सामने आए, पर ऐसे सभी कार्यक्रमों को पुलिस ने सही समय पर पहुंचकर रोक दिया, जिससे कोई और महिला सती होने से बच गई। अब समय के साथ धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, पर राजपूत समाज में रूप कंवर को आज भी सती माता के रूप में ही पूजा जाता है और अपनी इस प्रथा के प्रति आज भी उनकी वैसी ही श्रद्धा है। आपका इस मामले में क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।